तो हेलो गाइस, सभी लोगों का स्वागत आज के एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, जैसे ही आप सभी लोग अपना फ्री फायर को ओपन कर रहे होंगे, तो गाइस आप सभी लोगों को कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को दिख रहा होगा मेंटेनेंस के नाम से। तो गाइस गेम को ओपन कर रहा होगा तो गेम ओपन नहीं हो रहा होगा, तो आप लोग डर गए होगा कि हमारा आईडी तो बैन नहीं हो गया। तो गाइस ऐसा कुछ बात नहीं है, डरने की बात नहीं है, आप लोगों का आईडी बैन नहीं हुआ है। तो गाइस गेम क्यों नहीं ओपन हो रहा है उसके बारे में बात करने वाले, एंड उसी का साथ साथ कैसे ओपन होगा उसके बारे में बात करने वाले। वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक बन रहिएगा। और गाइस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एंड गाइस चैनल पर नए हो तो प्लीज दोस्तों आप से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करो। प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों बिना किसी तरीके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों अभी हम बात कर लेते हैं कि गेम क्यों नहीं ओपन हो रहा। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि फ्री फायर का अपडेट हर दो महीने के बाद आता है। तो गाइस फ्री फायर का अपडेट चल रहा है आज। तो गाइस अपडेट क्यों चलता है आप लोगों को पता ही होगा कि जो फ्री फायर में कमियां रहती है उसको दूर करने के लिए कुछ अपडेट किया जाता है। तो गाइस आज दिन भर अपडेट रहेगा। वैसे अपना गेम को ओपन करने के लिए आप सभी लोगों को दोपहर के 12 बजे के बाद अपने प्ले स्टोर पर चले आना है, एंड वहाँ पर कुछ MB की अपनी फ्री फायर की अपडेट आएगी 400 के करीब में। तो ये 400 MB की अपडेट रहेगी, तो वहाँ से अपडेट कर लेना। उसके बाद से गाइस शाम को 5 से 6 बजे के बीच में जैसे ही आप सभी लोग अपना गेम को ओपन करोगे तो ओपन हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोगों को शाम को 6 बजे के करीब में गेम ओपन हो जाएगा। तो शाम को 5 से 6 बजे के बीच में आप लोग गेम ओपन कर सकते हो, उसके बाद से आप लोग डेली रेगुलरली खेल सकते हो। और गाइस अपडेट के बाद क्या क्या हमें फ्री फायर में देखने को मिलेंगे, चलिए दोस्तों उसके बारे में जान लेते हैं। तो गाइस वीडियो को प्लीज यार दोस्तों एंड तक बन रही है क्योंकि वीडियो बहुत ही तगड़ी होने वाली है, इंटरेस्टिंग होने वाली है, मजेदार होने वाली है। तो प्लीज यार दोस्तों वीडियो को एंड तक बन रही है। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं कि अपडेट के बाद हमें फ्री फायर में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे, क्या क्या हमारा अपडेट होगा। चलिए दोस्तों एक एक करके जान लेते हैं। तो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा फर्स्ट अपडेट आता है यहाँ पे, आप सभी लोग देख सकते हो, आप लोग समझ भी गए होंगे। जैसे ही आप सभी लोग एयरप्लेन से लैंड करोगे तो जो पीक का एरिया होता है, फैक्ट्री का एरिया होता है, आप लोगों को पता नहीं रहता है। बट गाइस जैसे ही आप लोग लैंड करोगे वही जो जो एरिया रहेगा उसका नाम आप लोगों को ऊपर से ही शो हो जाएगा कि यह एरिया पीक है, यह एरिया भीमा शक्ति है, यह एरिया क्लॉक टावर है। वैसे मुझे लगता है कि शायद से आप लोग समझ गए होंगे, एंड जो भी लोग पबजी खेले होंगे ना उन लोगों को पता होगा क्योंकि पबजी में लैंड करते वक्त हर एरिया का आप सभी लोगों को मैप में नहीं देखना पड़ता है, जब लैंड करोगे उसी टाइम आप लोगों को शो हो जाएगा कि यह एरिया का यह नाम है, ठीक है। इस तरह से होने वाला फ्री फायर में भी। चलिए दोस्तों सेकेंड अपडेट की तरफ चलते हैं एंड उसके बारे में जान लेते हैं। तो भाई जो सेकेंड अपडेट होने वाला है, जितने भी लोग फ्री फायर मैक्स खेले होंगे तो उनको पता होगा कि जो जोन होता है चारों एरिया का वो कितना गाढ़ा कलर का होता है। तो उस तरह से अगर आप लोग फ्री फायर मैक्स नहीं खेलते हो तो भाई उसी तरह का जोन आप सभी लोगों को फ्री फायर में मिलने वाला है अपडेट के बाद। चलिए दोस्तों इसी के साथ साथ और भी अपडेट है उसके बारे में जान लेते हैं कि हमारा नेक्स्ट जो आने वाला गोल्ड रॉयल का बंडल वो क्या होने वाला है, एंड और भी अपडेट है। तो वीडियो में बन रही है प्लीज दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो गाइस अपडेट के बाद आप सभी लोगों को एक अलग तरह का ग्राफिक देखने को मिल जाएगा, जो कि अगर हाई क्वालिटी का मोबाइल है तो आप लोग उसमें यूज कर सकते हो। चलिए दोस्तों इसी का साथ साथ और भी अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों आप सभी लोग जैसे अपडेट करोगे गेम में तो यहाँ पे आप सभी लोगों को एक चेंजेस देखने को मिल जाएगा, जो कि आप लोग पिन करते थे तो आप लोगों को दिखाता था कि इतना मीटर पे यह गन स्किन है। बट गाइस इसको चेंज करके कुछ इस तरह से कर दिया गया है, जो कि आप लोग पिन करोगे तो यहाँ पे आप सभी लोगों को एक लाइट की जो फुब्बार होती है उस तरह से आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। गन हट जाएगा वहाँ पे, जो आप लोग गुलवाल पिन करोगे तो वहाँ पे गुलवाल नहीं रहेगा, आप लोगों को एक लाइट इफेक्ट देखने को मिल जाएगा। तो गाइस पहले वाला पिन अच्छा था कि अब वाला पिन अच्छा है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। तो गाइस जो अभी आप लोग सभी लोग स्क्रीन पे देख रहे हो बंडल, ये आप लोगों को मिल जाएगा गोल्ड रॉयल के अंदर देखने को, ठीक है ना। आप सभी लोग जैसे गेम को अपडेट करोगे तो आपको रात को 12 बजे के बाद आप सभी लोग यह बंडल देखने को मिल जाएगा गोल्ड रॉयल के अंदर। और गाइस जिप लाइन में आप सभी लोगों को एक बहुत ही बड़ा अपडेट देखने को मिल जाएगा, जो कि बहुत ही बुरा भी है एंड जो कि बहुत ही अच्छा भी है। चलिए दोस्तों उसको भी आपको दिखा देते हैं एंड समझा देते हैं कि क्या है, क्या कैसे है। तो गाइस जैसा कि आप सभी लोग स्क्रीन पे देख सकते हो, हमें जिप लाइन में एक कूल डाउन टाइम दे दिया गया, जो कि बहुत ही अच्छा है एंड जो कि बहुत ही बुरा है। तो गाइस उनके लिए अच्छा था कि जो जिप लाइन पकड़ते थे और मतलब बार बार टच हो जा रहा था स्क्रीन और बार बार गिर जा रहे थे जिप लाइन से तुरंत ही, उनके लिए तो यार अच्छा कर दिया गया। बट गाइस मान लो कि अगर आपके सामने बंदा है, अगर आप लोग जिप लाइन पकड़ लिए तो कूद तो पाओगे नहीं और आपको एनिमी ही मार के चला जाएगा। तो कुछ अच्छा भी है, कुछ बुरा भी है, लेकिन आप लोगों का ओपिनियन क्या है आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। तो गाइस इसी के साथ साथ फ्री फायर में कुछ ऐसे ऐसे जगह जहाँ पे हमें खेलने में बहुत ही तकलीफ होती थी, दिक्कत होती थी, तो गाइस उसको फ्री फायर ने सुन लिया एंड उसको पूरा का पूरा तरीके से ठीक कर दिया है। चलिए दोस्तों उसको मैं आपको दिखा देता हूँ स्क्रीन पर।
तो भाई जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हो, मील पे एक जगह था जहाँ पे टायर रखा रहता था और वहाँ पे हमें फाइट करने में बहुत ही तकलीफ होती थी। तो भाई फ्री फायर वाले ने इसको सिंपल कर दिया है, नॉर्मली बना दिया बहुत ही इजी तरीके से, एंड कुछ और भी जगह जो कि सुधार हो चुका है तो आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो गाइस इस अपडेट के बाद आप सभी लोगों को बिल्कुल फ्री में एक न्यू मैप देखने को मिल जाएगा, जो कि आप सभी लोग उसमें गेम प्ले कर सकते हो, बहुत ही मजा आने वाला है। तो गाइस मैं उस मैप का कुछ लीक आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूंगा एंड उस मैप में क्या होने वाला है। तो गाइस उस मैप में आप सभी लोगों को चारों तरफ बर्फ की बारिश होने वाली है, यानी कि गाइस पूछो मत यार, विंटर का मौसम आ चुका है एंड विंटर का इवेंट आने वाला है। उसी के साथ साथ विंटर का आप सभी लोगों को एक मैप देखने को मिल जाएगा, जो कि ये रहा आप लोगों को स्क्रीन पर। तो गाइस यह मैप आप सभी लोगों को तुरंत नहीं देखने को मिलेगा, आप सभी लोगों को शायद से 1 जनवरी को देखने को मिल सकता है या फिर उसके 10-15 दिन पहले मिल सकता है देखने को, ठीक है ना। बट गाइस यह 10-20 दिन के बाद ही आप लोगों को गेम के अंदर देखने को मिल जाएगा न्यू मैप, तो आप लोग इसमें इंजॉय कर सकते हैं, बहुत ही मजा आने वाला है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे क्रोनो लवर रोने वाले हैं, क्योंकि यार क्रोनो की इतनी बेकार एबिलिटी कर दी गई है ना, आप लोग पूछो मत। तो चलिए दोस्तों उसको हम समझा देते हैं कि क्या कर दिया गया है, एंड जो लोग क्रोनो ही यूज़ करते थे उन लोगों के लिए तो बहुत ही हेल्पफुल हुआ है। चलिए दोस्तों उसके बारे में आपको दिखा देते हैं। तो गाइस क्रोनो की जो कूल डाउन टाइम है, पहले था 200 सेकेंड, अब हो गया है 120 सेकेंड। तो गाइस बहुत ही कम कर दिया गया, बट गाइस इसकी डिसअपॉइंट क्या है, तो गाइस अगर मान लो क्रोनो के अंदर आप लोग फायरिंग करते थे एनिमी के ऊपर तो आसानी से मर जाता था, बट गाइस अब ऐसा नहीं होने वाला है। आप लोग गोली चलाओगे बट गाइस क्रोनो के दीवार के बाहर गोली नहीं जाने वाली है, जब तक कि उसका सील डाउन जो होता है टूट ना जाए, ठीक है। तो यार आप लोगों के लिए बहुत ही यह बेकार होने वाला है क्रोनो कैरेक्टर, एंड बहुत लोगों के लिए तो अच्छा हो जाएगा। आप लोगों को क्या राय है कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। तो गाइस इसी के साथ साथ अपने गेम के अंदर एक न्यू वीपन आने वाला, न्यू गन आने वाला, जो कि बहुत ही दमदार होने वाला है। एंड गाइस उसी के साथ साथ अगर आप लोग क्लास स्क्वाड में गोल्ड वन पे चले जाते हो तो गाइस आप सभी लोगों को यूएमपी की गोल्ड वाली एक स्किन देखने को मिल सकती है। तो गाइस आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों अभी तक फिल्म मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।